उत्तर प्रदेश के औरैया से एक अपराध जगत की बड़ी खबर सामने आ रही है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। उत्तर प्रदेश के औरैया में सुबह सुबह जब पुलिस गश्त के लिए निकली और चेकिंग के दौरान जब एक मोटरसाइकिल सवार युवक को रोकने की कोशिश की तो वो भाग खड़ा हुआ। भाग खड़े होने के बाद पुलिस ने की घेराबंदी। घेराबंदी के दौरान दुर्दांत बदमाश ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। मुठभेड़ में दुर्दांत अपराधी संस्कार श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया गया। जहां आपको बता दें, ये दुर्दांत अपराधी नाम बदल कर करता था अपराध। कभी बन जाता था शुक्ला तो कभी बन जाता था पाठक। देखिए एक अपराध जगत की बड़ी खबर। आज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जब कोतवाली में पुलिस दबिश में थी, उसी समय सूचना मिली कि जलोखर पंधर रोड से एक अपराधी यहां आ रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम जब इस रोड पर निकली तो सामने से एक जेन स्टीलो गाड़ी आती हुई दिखी। उसे रोकने का प्रयास किया गया, बताया गया पुलिस टीम द्वारा, लेकिन उसके बाद से भी उसने रोका नहीं। फिर गाड़ी को कवर किया गया, उतरते ही उसने फायर किया। फायर करने पे एक गोली जाकर के पुलिस की गाड़ी में लगी और एक आरक्षी भी इंजर्ड हुआ। उसके बाद से पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ गोली चलाई गई, जिसमें वो बदमाश भी इंजर्ड हुआ, जिसको तत्काल जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया और वहां से फिर उसे रिफर कर दिया गया है सैफई के लिए। ये अपराधी पकड़ा गया, इसके पीछे और कोई मुकदमे थे इसके? इसके बारे में ये अभी जो शहर में जो हत्या हुई है कैलाश नारायण दीक्षित की, उस हत्या में इसका नाम था। साथ ही पूर्व में भी ये कई हत्याएं कर चुका है। अब इससे अभी जब इंट्रोगेशन होगा तो तब जाकर के पूरी जानकारी इसके बारे में हो पाएगी। अब समय प्रशासन क्या कर रहा है? हाँ, इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था और अभी जो हत्या की गई थी उसमें ये मुख्य अभियुक्त था।